भारत के रोहन बोपन्ना ने 43 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियाई ओपन का मेंस डबल खिताब जीतकर इतिहास रच दिया और इस सफलता के पीछे उनकी मेहनत और लगन तो थी ही, लेकिन उनकी इस जीत में योग का भी अहम योगदान रहा है। खुद बोपन्ना का कहना है कि उनकी सफलता के पीछे आयंगर योग ने बड़ी भूमिका निभाई। तो ये है योग की ताकत, ऐसे में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। योग के महत्व पर बात करेंगे, जानेंगे कि 40 की उम्र के पार अगर पहुंच गए हैं तो योग कितना जरूरी है, खास तौर से इस उम्र में जो रोहन बोपन्ना ने किया, क्या वो हम योग से हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं 40 की उम्र के पार बढ़ जाती हैं। और सिर्फ 40 की बात नहीं करेंगे, ओवरऑल किसी भी एज ग्रुप में आप हैं, योग का क्या है मंत्र आपकी सेहत से जुड़ा हुआ, विस्तार से करेंगे बात खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट। और इस तरह भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना बन गए दुनिया के सबसे अधिक उम्र में ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले खिलाड़ी। 43 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष डबल्स खिताब जीतकर उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया। जाहिर है किसी भी सफलता के लिए मेहनत और लगन पहली शर्त होती है। रोहन बोपन्ना इससे पीछे भी नहीं रहे, लेकिन उनकी सफलता का राज कुछ और ही है, और वो राज है योग। जी हाँ, योग। खुद रोहन बोपन्ना और उनके पिता ने सफलता के पीछे योग के योगदान की बात साझा की। उनके पिता ने कहा कि रोहन ने 2 साल पहले अयंगर योग अपनाने का फैसला किया, इससे उन्हें घुटने की चोट से और मानसिक तौर से उबरने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि रोहन बोपन्ना को अयंगर योग से काफी फायदा हुआ, सकारात्मक सोच के संचार के साथ उनकी फिटनेस में काफी सुधार हुआ। फिलहाल तो बोपन्ना की इस जीत के साथ ही अयंगर योग भी चर्चा में आ गया है। समझते हैं कि आखिर क्या है अयंगर योग। दरअसल अयंगर योग का नाम योगाचार्य बीकेएस अयंगर के नाम पर पड़ा। इन्होंने अष्टांग योग और आजकल के आधुनिक योग की मदद से अयंगर योग को विकसित किया। अयंगर योग 3 बातों पर आधारित होता है, पहला संरेखण, दूसरा अनुक्रमण और तीसरा समय। संरेखण को आसान शब्दों में समझे तो ये शरीर, मन और सांस के बीच संतुलन हासिल करने में मदद कर सकता है। अनुक्रमण यानी शरीर को सक्षम बनाने के लिए आसान तरीके से योग अभ्यास। अब समय की बात करते हैं, इसमें योग की मुद्रा में स्थिरता लाना होता है, इससे शरीर और दिमाग के बीच तालमेल बैठता है, साथ ही इससे शरीर में ताकत और लचीलापन आता है। जाहिर है 35 से 40 की उम्र के बाद हार्ट मसल्स टाइट होने लगती है, रक्त धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने की आशंका बढ़ जाती है। ये बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट तक ब्लड पहुंचने में दिक्कत पैदा करता है। इस उम्र में शरीर में ताकत और लचीलेपन की जरूरत होती है। ऐसे में अगर रोजाना केवल 30 मिनट योग को दिया जाए तो हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी हेल्थ से जुड़ी तमाम समस्याओं से बचा जा सकता है। ऐसे में अयंगर योग इस उम्र में रामबाण साबित होता है। 40 साल के बाद हेल्थ के प्रति ज्यादा सजग रहने की जरूरत होती है। ऐसे में ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम बेहतर योग है। वही ताड़ासन, पश्चिमोत्तानासन और भुजंगासन से हार्ट और फेफड़ों को मजबूती मिलती है। अधोमुख श्वानासन से मोटापा कम किया जा सकता है। कपालभाति प्राणायाम फेफड़ों, लिवर, पैनक्रियास के साथ साथ हार्ट के लिए भी फायदेमंद है। इन सब के बीच जो भी योग करे सही तरीके से करे, पहले धीरे धीरे इसकी शुरुआत करे और समय के साथ इसे बढ़ाते जाएं। अपनी सेहत और शारीरिक ढील ढाल के हिसाब से योग का चयन करें। योग एक्सपर्ट की मदद से ही योग करें, तभी आप इसका सही फायदा उठा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।